आज आपके साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग मेकअप हैक शेयर करूंगी। सबसे पहले हम ये वायरल लिपस्टिक हैक ट्राई करेंगे। इसके साथ हमारे डार्क सर्कल्स, हमारी पिगमेंटेशन हाइड हो सकती है। एक साइड पर हम लिपस्टिक लगाएंगे और दूसरी साइड पर हम ये कंसीलर इस्तेमाल करेंगे। आपके पास कोई पीच कलर की या कोई भी ऑरेंज कलर की लिपस्टिक, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपकी लिपस्टिक जो है मैट होनी चाहिए, ग्लॉसी नहीं होनी चाहिए। देन हमने यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग आपने बहुत सॉफ्टली करनी है। देन हमने यहाँ पे जो बेस इस्तेमाल की है वो डर्माकोल की बेस है, बहुत फुल कवरेज बेस है। आपको दराज से ये 500 रुपए की भी मिल जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी बेस है ये। बहुत बिल्कुल इसकी डुए फिनिश आती है, पैची नहीं होती। आपको इसके साथ किसी कंसीलर की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसका जो एक माइनस पॉइंट ये कि इसमें आपको कलर्स नहीं मिलते। आप इसके अंदर कोई से भी डार्क शेड ऐड कर दें, अपने आप स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखें बहुत ज्यादा इसकी डुई लुक है। और यहाँ पर जो मैंने ब्लश यूज किया है वो O2O का ब्लश है, बहुत अच्छा ब्लश है, बहुत क्रीमी ग्लोई, आपको पिंकी चीक्स आपको मिल जाते हैं, बहुत एक ग्लो सा आ जाता है आपके फेस के ऊपर, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। ये नार्स के ब्लश का ड्यूप है, आपको इजीली इंस्टाग्राम के पेज से मिल जाएगा। यहाँ पर हमने लिक्विड हाइलाइटर का इस्तेमाल कर लेना है। आपने पाउडर करने से पहले अपने सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, देन आपने पाउडर करना है। और अगर आप बहुत ही ग्लोई लुक चाहते हैं तो आप पाउडर हमेशा जो आप पफ के साथ नहीं लगाएं, आप किसी ब्रश के साथ लगाएं। इस तरह से आपकी जो बेस है वो बहुत ज्यादा ग्लोई दिखेगी, बहुत ज्यादा डूई आपके फिनिश आएगी। और स्पेशली जब आप अपनी अंडर आइज पे जब आप पाउडर लगाएंगे तो आपने सबसे पहले अपने अपनी अंडर आइज को आपने सेट करना है, ताकि आपकी जो लाइंस आई हुई हैं वो आपके बिल्कुल सेट हो जाएं। अगर आप इस तरह से डायरेक्टली पाउडर लगा देंगे तो आपके जो लाइंस के अंदर पाउडर सेट हो जाएगा और आपके जो है फाइन लाइंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने एक डूई ग्लोई लुक जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने पाउडर प्रोडक्ट्स के साथ ही अपने पूरे मेकअप को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। यहाँ पे जो मैंने ब्लश इस्तेमाल किया मुसर्रत मिस पैक है, बहुत अच्छा ब्लश है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इसका फिनिश है। आपको एक अगर आप चाहते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, आप बहुत अच्छे आप ब्लश पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये मुसर्रत मिस पैक आप ब्लश ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने मिस रोज की आईब्रो पेंसिल यूज की है। अगर आपने बहुत नेचुरल से मेकअप करना है तो आप पेंसिल के साथ अपने आईब्रोज को ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्रो अगर आप पोमेड का इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी ज्यादा हैवी दिखता है। यहाँ पे हमने जस्ट वन कलर लगाया आईज के ऊपर ही, और उसी वन कलर को हमने आईज के नीचे भी लगा दिया है। नेचुरल एवरीडे मेकअप में बहुत ज्यादा कलर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर मैंने अब ये मैरून से कलर का जो है यहाँ पे इनको लाइनर दिया है। अगर आपके पास कलर लाइनर नहीं है तो आप किसी भी आई शेडो कलर को लेके इस तरह से आप लाइनर बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इसके अंदर सेटिंग स्प्रे ऐड किया था। और एक ये बहुत ही अमेजिंग हैक है, जो लोग विंग बनाने में बहुत ज्यादा डरते हैं, उनका विंग बिल्कुल भी एक परफेक्ट नहीं बनता, तो इस तरह से वो कार्ड की मदद से बहुत इजीली परफेक्ट विंग आईलाइनर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कार्ड रखा है और उसके बाद एक बहुत ही परफेक्ट विंग बन गया है। तो आप इस तरह से ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही यूजफुल है कि बहुत ज्यादा आपका विंग जो है परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पर आपने लिपस्टिक लगा दी है। आजकल बहुत ज्यादा ये लिपस्टिक ट्रेंड में है कि आपकी इनर साइड जो है वो लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क होती है, तो आप कोई सा भी डार्क कलर लेंगे वो मैट होना चाहिए, आप वो सिर्फ अपने अंदर वाली साइड पे लगाना है। तो इस तरह से आप ये ग्रेडियंट लिप्स जो है अपने आपके जो है वो हो सकते हैं रेडी। और यहाँ पर हमने ग्लॉस कर दिया है, ग्लॉसी लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हमारी फाइनल लुक है। और एंड में मैंने थोड़ा सा जो है वो ग्लिटर लाइनर कर दिया, ताकि हमारा जो लाइनर का जो एज है वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। और इस तरह से आप एक ग्लोई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं।